धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशूम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। पासिंग स्पिरिट्स का, पासिंग स्पिरिट्स प्लीज कम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में माटी पेनांग जगह पर हुई रोड एक्सीडेंट में एक औरत की मृत्यु हो गई। उसका कारण ऊर्जा बोर्ड ही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। इस खूबसूरत आंखों वाली लड़की का नाम है स्नेहा। इनकी सोच राम गोपाल वर्मा से बहुत मिलती जुलती है। उनकी तरह ये भी भगवान को नहीं मानती और भूत प्रेतों पर भरोसा करती है। उन पर फिल्म बनाने की बहुत कोशिश कर रही है। रात को फिल्म बनाने का सपना देखती है और दिन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। ये है स्नेहा की फ्रेंड कृष्णा। एक्चुअली कृष्णवेणी नाम है, वैसे है लड़की लेकिन काम सारे लड़कों वाले जैसे करती, इसलिए सब इसके नाम से वेणी कार्ड से कृष्णा बुलाते हैं। इसने भी इस बात को लाइट ले लिया है क्योंकि इसे कृष्णा बुलाना अच्छा लगता है। फोटोग्राफी इसे बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा इसकी आंखें नई खोज की तलाश में रहती। इसका नाम है निहारिका और इसे सब नेहा कहके पुकारते हैं। इसकी अपनी सोच नहीं है, इसलिए जैसे स्नेहा और कृष्णा कहते हैं ये उनका साथ देती है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो पूरे मस्त हो जाते हैं। Oxygen, they are angels. Ha! Jo bhi main
रास्ते हैं, हमारी सांसें भी दोस्ती हैं। तीनों हम एक हैं, मस्ती में झूमे, हमारे हार्ट बीट म्यूजिक बीट बन जाए रे। वो स्पिनिंग बूट, ये रनिंग फूट, लेट्स जस्ट गो रॉकेट, शेक इट, मूव इट राइट अवे। तुमने मोनी को देखा क्या? नहीं देखा सर। मोनी बहुत रात हो गई, कहाँ चली गई? ओ यहाँ हो तुम, चलो चलो, बहुत रात हो गई, सोने का वक्त हो गया है। नहीं आएगी। इन पियकड़ों के साथ रहोगी तो तुम भी बिगड़ जाओगी। चलो बेटा। के ये ठीक नहीं है, डिसेंट गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम और डिसेंट। मोनी नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे सुंदर सर, चलो चलो मोनी को ले जाकर सुलाओ। जी ओ मिस्टर के जस्ट चिल, गो एंड गेट मोर ड्रिंक फॉर अस। वो तो लेकर आऊंगा ही। नौकरी ढूंढते ढूंढते जब मैं इस कोलालंपुर में आया था तो उस वक्त एक इंडियन ने इस रेस्टोरेंट को खोलने में मेरी मदद की। इंडियन हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मतलब क्या कर लेते? ठीक है, बहुत रात हो गई है, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, इसलिए जाओ। ऑफिस? अरे नो, 15 डेज हॉलीडेज यानी छुट्टियां। 15 दिन की छुट्टियां? तो इन छुट्टियों में क्या करने का इरादा है? शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाओगे? सुपर मैडम, मैं भी साथ चलता हूँ। पहले तू अपना काम ठीक से कर, फिल्म वगैरह तेरे बस की बात नहीं, चल जा। वहाँ इंडिया में एक से एक दिग्गज लोग पड़े हुए हैं, तो फिर तुम तीनों क्या नया उखाड़ लोगी? के तुम हमारा अपमान कर रहे हो, बस एक ही चांस, सबकी छुट्टी। वैसे भी क्या बेकार की फिल्म्स बन रही है, नहीं ये हीरो हीरो है, सब कमर्शियल होता जा रहा है, कुछ भी नया बनाने की कोई सोच ही नहीं रहा है आजकल। हाँ नहीं है, कोई नहीं है। और फोटोग्राफी, बेकार की फोटोग्राफी करते हैं। अगर शैडो को बिना निकाले तो मजा आए ना, कैमरा अगर राउंड ट्रॉली में घुमाए तो सुपर होगा। ओके ओके ओके, अब मैं प्रोड्यूस करूंगी एक फिल्म, तुम शॉर्ट फिल्म की तैयारी करो। निहारिका तुम लकी हो, अवार्ड जीतोगी तुम। कृष्णा वी आर डूइंग अ शॉर्ट फिल्म। यस, हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत बदल रहे हैं। बहुत हो गया। फिल्म के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? 400 जूनियर आर्टिस्ट हैं, सोचो उनमें से एक को भी डायलॉग ना मिले तो दुख होता, कुछ भी नहीं पता। 150 फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुका हूँ मैं। क्या मुझे ही कभी इस इंडस्ट्री ने हीरो का चांस नहीं दिया? पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। ए इधर आ, अभी आया। शूटिंग है क्या के मुझे यहाँ लेके आए? हाँ। प्रोड्यूसर के पास पैसा खत्म हो गया, वो इंडिया चला गया। 100 दिन से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। हाँ। मैंने कभी भी प्रोड्यूसर के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाला। बोल, और तुम लोग यहाँ एक बोतल स्कॉच पी के मेरी इंडस्ट्री के बारे में अनसन बक रहे हो? मेरे सामने इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हो? जी करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। यही आक्रोश चाहिए मुझे। यस, हमें हीरो मिल गया फ्रेंड्स। क्या फेस है, क्या बॉडी है, क्या एक्सप्रेशन दिया है, सुपर। तुम हीरो के लिए बिल्कुल फिट हो। ओ मेरे हीरो, बैठो। इसका मतलब आप लोग अपनी फिल्म में मुझे हीरो ले रहे हो? शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तुम कंफर्म हो? मुबारक हो। गेट अवे फ्रॉम हियर। ओके मैडम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बलराज है जी। नाइस नेम। डांस, फाइट सब आता है? थोड़ा बहुत आता है। डोंट वरी। अरे वाह, ये पियक्कड़ फिल्मी कीड़ा भी तुम्हारे साथ जुड़ गया। अब तो भगवान ही तुम्हारा बेड़ा पार करे। मिस्टर के, यू आर इंसल्टिंग माय हीरो एंड टेक्नीशियंस। कम ऑन गाइस, लेट्स सर्च द लोकेशन। डांस कर
करने दो, डिस्टर्ब कर दिया। जॉइन अस, पाला, कम ऑन, हैव इट। वाओ, गुड। ओह माय गॉड। देखिए, अपनी पिक्चर में बड़ा सा सेट लगाएंगे, मजा आ जाएगा। देखना कमाल की एक्टिंग करूंगा मैं। ओल्ड स्टाइल है बाला। अरे हम लोग एक लव स्टोरी बनाएंगे ना। लव करने के लिए आजकल टाइम किसके पास है? लव स्टोरी कौन देखेगा? नो वे। लव स्टोरीज आर रूल्ड आउट। यप। वैसे अगर हम ऑडियंस को लव स्टोरी के एक्साइटमेंट की बजाय भूत से डराए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसका मतलब बढ़िया हॉरर फिल्म बनाएंगे। हॉरर स्टोरी हॉरर फिल्म में मेरी इमेज का क्या होगा? यू डोंट वरी बाला, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा एंगल लगा के तुम्हारे बहुत अच्छे शॉट के दूंगी ना। थैंक यू जी। वैसे कहानी क्या है? कहानी कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी। वेयर आर द हॉरर बुक्स? ऊर्जा बोर्ड के बारे में क्या कहते हो? ऊर्जा बोर्ड बेकार है, पैसे बनाने का तरीका है। ये क्या, सब लोग हॉरर वगैरह बोल रहे हैं? लोगों में हॉरर फिल्म का क्रेज है। That's true. Alright, I had this conversation with ghosts as a kid. I don't know if they exist. My mom's always told me they're for real. Let's find out, alright? Stay tuned, put your money on the prime time. Take my memories and add it to your timeline. It's a story of ghosts and how we're chosen. गुड, वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रहे हो। कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना? फिल्म डरावनी है ना? Are you there? तुम जाके देखो, जाके देखो ना, जाओ, जाओ, वो ना। पूरी दुनिया आजकल इस ऊर्जा बोर्ड से खेल रही है, सभी इसे भूत प्रेत बोलते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मा कहता हूँ। आत्मा से बात करने के लिए ये ऊर्जा बोर्ड एक माध्यम है। ये देखो, यही ऊर्जा बोर्ड है। ऐसे कॉइन रखकर हम किसी भी आत्मा को यहां बुला सकते हैं। अगर वो नजदीक हो और उन्हें पसंद हो तो वो यहां आ जाएंगे, तब ये कॉइन अपनी जगह से हिल जाता है। हम जो भी प्रश्न पूछते हैं इन अल्फाबेट्स के द्वारा हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें बताते हैं। पूजा को कभी अकेले नहीं खेलना चाहिए। अगर तबीयत खराब हो तो भूल कर भी नहीं, और भगवान से संबंधित कोई भी चीज उस कमरे में नहीं होनी चाहिए। इसे अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में खेलना चाहिए। आत्मा को जो सवाल पसंद ना आए, वैसे सवाल अगर पूछेंगे तो मुसीबत हो सकती है। आत्मा का इस बोर्ड पर आना और जाना सब कुछ उसी के हाथ में होता है। एक बार अगर वो बोर्ड पर आ जाए तो बीच में हमें अपनी उंगली नहीं उठानी चाहिए, उन्हें एग्जिट करने के बाद ही उंगली उठानी चाहिए।
नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप रेगुलरली ऊर्जा खेलते हैं ना सर? यस, रोज रोज बुलाता हूँ तो कई समय पर बहुत सारी आत्माएं मेरा इंतजार करती रहती हैं। इस वक्त भी कोई वेट कर रहा होगा क्या? सर अपना बादशाह इंतजार कर रहा होगा ना? हाँ सही कहा, बादशाह को बुलाते हैं। लगता है इनको भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ मालूम है। हो सकता है यही भूत प्रेत हो। दरवाजे खिड़कियां बंद करके। ओके सर, लाइट्स ऑफ कर दे। जी अच्छा सर। विजय सर, बादशाह प्लीज कम, प्लीज कम, बादशाह आ गए क्या तुम? आर यू हियर? कुछ भी पूछिए। बादशाह मैं हीरो बनूंगा ना? ये भविष्य बताने वाला तोता नहीं है। आत्माओं को भविष्य का पता नहीं है, वरना दुनिया में क्या होने वाला है वो हमें पहले ही बता देते। अमेरिका में मेरा फ्रेंड एक वरुण है, वो कहाँ है ये बता सकते हैं? राइट डाउन, बादशाह वरुण कहाँ है बता सकते हो? बादशाह आर यू देयर? थैंक यू बादशाह, गुड बाय। विजय सर, लाइट ऑन करो। ओके सर। रेड फेस, ग्रीन क्लॉथ, व्हाइट कॉरिडोर, ठीक तरह से बता नहीं पाया, इसमें कोई इंटरलिंक हो सकता है। ओके सर, अब हम निकलते हैं। थैंक्स अ लॉट। ओके। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ऊर्जा बहुत पावरफुल है, इसकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ओह गॉड, कितना उल्लू बनाया हम सबको। कॉइन को खुद घुमाया और हमें बोला भूत आ गया है। क्या बढ़िया से मैनेज किया उसने। ऐसा मत बोलिए, बादशाह अगर यहाँ आया होगा ना तो हमारी सारी बातें सुन रहा होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। नेहा तुम वरुण को एक बार डायरेक्ट फोन करके देख, सारी बातें डिटेल में। राइट करो। हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? ओह माय गॉड, ओके ओके, प्लीज टेक केयर। हमारे वरुण का 30 मिनट्स पहले एक्सीडेंट हो गया है। He is seriously injured. Oh God. उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उस वक्त लॉन्ग कॉरिडोर, रेड फेस, ग्रीन कर्टन, बादशाह हॉस्पिटल में कह के वो हमें बताने की कोशिश कर रहा था क्या? हो सकता है बादशाह ने इसी एक्सीडेंट के बारे में कहा होगा। पागल हो गए क्या? सच में स्पिरिट आया था क्या वहाँ? मैं इन बातों पे पूरी तरह विश्वास तो नहीं करती, पर ऊर्जा में कुछ न कुछ तो है। ग्रेट, हम इसे बेस बनाकर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। हमारी फिल्म का नाम होगा ऊर्जा। मैडम अपनी फिल्म के लिए ऊर्जा बोर्ड्स लेके आया हूँ, दिखाता हूँ मैं। मैडम ये राम से ब्रदर्स स्टाइल है, पूरा कलरफुल टाइप का है, कैसा लगा आपको? क्यों मैडम? सुपर्ब। मेरा क्लोजअप सेंटर में लगा के पोस्टर बनवाओगे ना तो देख लेना, ब्लैक में कोई 10,000 में भी मांगेगा ना तो भी हमारी फिल्म की टिकट नहीं मिलेगी। बालू हमारी फीचर फिल्म नहीं शॉर्ट फिल्म है। ये यूट्यूब पे रिलीज होने वाली है। ए, दूसरा बोर्ड दिखाओ। क्यों पसंद नहीं आया? अब दिखाता हूँ वीवी विनायक स्टाइल, फुल लाइट्स। वाह 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 वाह, ब्लैक व्हाइट रेड ब्लू, ऐसा बनाएंगे तो डेफिनेटली हिट होगी फिल्म। ए फाइनल है, बनवा ले। ये तो बच्चों का खेलने वाला बोर्ड लग रहा है। ये नहीं चला। ये भी पसंद नहीं आया? बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुंदर ये बात नहीं है, पुरातत्व चीजों में जैसे उसमें भूत आ जाए ऐसा होना चाहिए, अंडरस्टैंड? कमाल है आपकी पसंद। ठीक है अब ये देखिए। यस एग्जैक्टली यही चाहिए। वाओ सुपर्ब, जिस एंगल से भी देखो इसे पूरा कैमरा फ्रेंडली लग रहा है।
दिस इज फाइनल, लेट मी सी। ए, इसका एक डुप्लीकेट भी बनवा लेना। इसलिए शूटिंग में कहीं खो गया तो? बाला तो जीनियस है, सीनियर मोस्ट जूनियर आर्टिस्ट जो है, देखा हमने तो ये सोचा तक नहीं। इतनी भी तारीफ मत करो, मैं फूला नहीं समा रहा। ठीक है ठीक है, सो एवरीथिंग इज सेट, ओके फ्रॉम टुमारो डेथ गेम स्टार्ट्स, लेट्स प्ले। लेंस लगा दिया ना? ऑसम, जस्ट सुपर्ब। एवरीथिंग सेट? यस, एवरीथिंग इज डन। परफेक्ट। लुक गुड। लुक गुड। वेयर इज बाला? सो एक्साइटिंग। लुकिंग स्मार्ट। क्योंकि भाई आप सुपरस्टार बन जाएंगे तो मैं उनका पर्सनल मेकअप मैन बन जाता हूँ। क्या भैया धक्का दे रहे हैं आप? कैसा लगा मेरा गेटअप? ए, मेकअप कुछ ज्यादा लग रहा है। नो टचिंग। तुम और तुम्हारा गेटअप पुरानी फिल्मों के राजकुमार लग रहे हो, पागल हो गए। तुम सब जल रहे हो, तुम सबसे सुंदर लग रहा हो ना, इसलिए जल रहे हो। ओ हेलो, इतना ज्यादा बिल्डअप देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये तो हमारी मानेगा नहीं। राइट, लेट्स जस्ट अटैक। ये क्या हाल कर दिया मेरा, हीरो से जीरो बना दिया। चुप रहो, तो तू भी इनके साथ मिला। इसके तो तुम भी अच्छे लग रहे हो बाला। कम ऑन, इट्स ओके। अरे अरे, मेरा लकी लॉकेट है। सब्जेक्ट डिमांड्स। सी, तुम सुपर हीरो हो। कम ऑन। बाला, फर्स्ट डायलॉग तुम्हारा है, याद है ना? बिल्कुल याद है। रेडी? ओके। कृष्णा, कैमरा रोलिंग, एक्शन। पासिंग, पासिंग, पासिंग। कट कट कट। पापा, ये क्या है? सॉरी। अगर तुमने डायलॉग्स ठीक से नहीं बोले तो तुम्हारी जगह सुंदर को ले आऊं। बाजू हटो, मेरा मतलब जूस जूस लाया हूँ आपके लिए। शॉट के बाद तेरा जूस बनाऊंगा। रेडी वन मोर। ओके, कृष्णा, कैमरा, एक्शन। Passing spirit, please come. Passing spirit, please come. Passing spirit, please come. Passing spirit, please come. Are you here? What's your name? S U M N Y Sunny? स्नेहा जी, स्नेहा जी, स्नेहा जी, क्या हुआ? एक बार अगर वो बोर्ड पर आ जाए तो बीच में हमें अपनी उंगली नहीं उठानी चाहिए, उन्हें एग्जिट करने के बाद ही उंगली उठानी चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या हो गया आपको स्नेहा जी? अरे देखिए ना, इनको क्या हो गया स्नेहा जी? कट इट। मतलब आपने पहले से प्लान किया हुआ था, पर मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बता देते तो तुम ओवर एक्टिंग करते, इसलिए तू भी इनके साथ मिला हुआ है। चल इधर आ, इधर आ, बताता हूँ। ऐसे नहीं बोलते, पैकअप बोलते हैं, फिल्म बना रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। पहली फिल्म। ओके ओके, पैकअप पैकअप। अच्छा जाओ। कॉल टाइम 8 o'clock। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आर्टिस्ट हूँ, ऑन टाइम। आ जाओ, तुम दोनों को मस्त पार्टी देता हूँ। हे निहारिका, इट्स पैकअप। निहारिका, व्हाट, यू स्टिल वांट टू प्ले? निहारिका, हे चलो, लेट्स गो, कम ऑन, चलो भी, कम, चलो, रियली। Thank you.
बोलो निहा। वो कॉइन को तुमने मूव किया था क्या? नहीं, मैंने तो मूव नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर ये अपने आप मूव हो गया क्या? डोंट बी सिली यार, इमोशंस में आकर बाला ने ही मूव किया होगा। वही हुआ होगा ना? ऑफ कोर्स, चिल यार, पहले दिन का शूट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, उसे एंजॉय करो, बिना वजह डाउट क्यों। गुड नाइट। ये सब क्या हो गया? अभी कुछ ही दिन तो हुए आपसे मिले, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही आप मुझसे इतनी दूर चली गई। भैया जूस, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कमाल कर दिया, क्या रोए हो? तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? भैया ये क्या है, निहारिका क्यों रो रही है? एक्टिंग हम कर रहे हैं, रो रही है? कहीं वो आपसे अच्छी एक्टिंग कर गई तो? ये बात है, चल के देखते हैं। क्या हुआ इन्हें? लवली मर गई कह के रो रही है। ओ, लवली? डायन आई थी रात को, डायन आई थी रात को और उसने मेरे लवली को मार दिया। डायन आई थी क्या? अरे ये तो इन्फेक्शन से मर गई है। बस तुम उसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, पूजा बोर्ड पे जो कॉइन था वो हम लोगों ने नहीं हिलाया था, वो कॉइन तो अपने आप मूव हो गया। इसका मतलब वहाँ पर डायन आई थी। ऐसा लगता है क्या तुझे? निहा, कॉइन मैंने मूव किया था। ओ, तो ये बात सच है? सच में? हाँ, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू। रात को तुम्हें टेंशन देने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया था। तुम इतनी अपसेट हो जाओगी, मुझे नहीं पता था, सॉरी। ओके, अब हम यहाँ शूटिंग नहीं करेंगे, हम के रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके ओके, रेडी। ये बोर्ड तुम्हें किसने दिया? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, चलो बाहर खेलते हैं। चलो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं ये बोर्ड यहाँ कैसे आ गया। छे, किसी को भी टाइम की परवाह नहीं है, कॉल टाइम 8 o'clock था। हाँ,
मैं ही टाइम पर नहीं आई। बाला, नीहा, वो कह रही थी तुम भी डरती हो। वाह, कितना नेचुरल लग रहा है। अगर हिडन कैमरा होता तो तेरा डर पूरी तरह कैप्चर हो जाता, समझो। शट अप, ये लो। मुझे डरवर नहीं लग रहा था, आर्टिस्ट हूं ना मैं, इम्प्रोवाइज कर रही थी। ओके, कमाल की एक्टिंग करती हो। ठीक है ठीक है, चलो चलो शूटिंग शुरू करते हैं। बाला, तुम कैजुअली चल रहे हो, अचानक तुम्हारे पीछे से डायन आके तुम्हारी गर्दन पकड़ेगी और तुम पेड़ से टकराओगे, तो ये है शो। ओके ओके, अब देखना मेरी एक्टिंग। कैमरा रोलिंग, एक्शन। कट 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 कट, व्हाट इज दिस वाला, बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ा नेचुरल करो ना। कहना आसान होता है, जब करो तब पता चलता है। सुंदर, ये पकड़ो, मुझे देखो। बात करके दिखा। हैव अ लुक, गो देयर, इधर आओ इधर, और देखो देखो। से एक्शन। एक्शन। ऐसे करना है, समझ गए ना निहारिका? स्पॉन्ज को अच्छे से स्टिक कर दो। आई विल टेक केयर। कैमरा रोलिंग, एक्शन। Yes! Oh wow! What a shot! Super performance kiya na? Correct! Bala lovely! Good shot! Hey Bala! Utho na! Bala! Bala! कृष्णा, आखिर उसे चुभा क्या था? वहां देखे तो बस स्पॉन्ज था और कुछ नहीं था, जस्ट मिस हुआ, वरना ब्रेन डैमेज हो सकता था। फिल्म के लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो ले लेंगे, पहले गो एंड टेक रेस्ट। जाओ दवाई लगाओ चोट पर। ऐसी वैसी चोट तो हम जैसे हीरो के लिए मामूली सी बात है। तुमको एक बात पता है, हीरो को जब चोट लगती है तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। फिर शुरू हो गया, बाप रे। यस इट इज ट्रू,
अमिताभ बच्चन को कूली फिल्म में चोट लगी थी, वो फिल्म एक साल चली। उसी तरह साउथ के चिरंजीवी को कैदी फिल्म में चोट लगी थी, फिल्म दो साल चली। अब देखो दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हीरो को चोट लगवाओ, फिल्म हिट करवाओ। क्योंकि मेरे को चोट लग चुकी है तो अपनी फिल्म सुपर हिट है। देखना मेरे कटआउट्स लगेंगे और मैं सुपर स्टार बन जाऊंगा। तो बहुत बड़े हीरो हैं। और मैं तुम तो सुपर हीरो हो। करेक्ट। हाँ। एक बात बताऊं, हीरो को चोट लगी, फिल्म सुपर हिट। इससे शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन की कुली में उनको चोट लगी। उसको रोकना मुश्किल है। चलो बेड पर फेंकते हैं। फिल्म एक साल। चलो मिलकर उठाते हैं इसे। अरे चलो चलो। बाला उठो। चलो उठो। उठो बाला। उसी तरह हीरो को चोट लगती है तो फिल्म चलती है। अरे ओके ओके बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ बाला का भी ध्यान रखना। बाय बाय। बाला व्हाट इज दिस? Stop this nonsense! बाला मैं कोई निहारिका नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। ये सब क्यों कर रहे हो? ये बाला बहुत गेम खेलने लगा है। Ah!
में देखा तुमने डोर की जगह दीवार थी। उसके बाद बेहोश हो गई, होश आया तो छत पे मिली। अच्छी स्टोरी है। स्टोरी? और ये चोट देखो, तुम भी देखो। अरे नशे में चोट लग गई होगी। कृष्णा सब तुम्हारा हेलुसिनेशन है, रूम डोर वॉल। तुम्हारा भी यही कहना है? और नहीं तो क्या, परसों स्नेहा को गया, आज आपको गया, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? जब से हमने ये हॉरर फिल्म का शूट शुरू किया है सभी इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि सभी को हेलुसिनेशन हो रहा है। अब इंतजार नहीं होता, अब ब्रेक लेना पड़ेगा। लेट्स गो टू बीच। नहीं जाना है, कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ, यहीं पे रहते हैं, ठीक? लेट्स गो। यस। कार जैसी तेरी लुक है, रोल्स रॉयल्स जैसी बदल गई है, बिना लेंस के मेरे कैमरे में न्यू फिल्म के सपने दिखा रही है। नया था मेरा ये क्लैप बोर्ड, उस पे कलर बोर्ड सपने भर दिए हैं। एम्प्टी थी मेरी छोटी सी लाइफ, अब म्यूजिकल टर्न ले रही है। यारो मीठी बातों से यारो तुम बढ़ाई करके मेरी सताओ ना, मस्ती में नाचो गाओ नहीं तो बिल भरो और साथ नाचो गाओ हमारे संग। ज्यादा आपने सोचो जब हम मिल गए हैं, सपनों में खो जाओ मस्ती में। ज्यादा आपने सोचो जब हम मिल गए हैं, सपनों में खो जाओ मस्ती में। है दिल देसी है परदेस में यारो, स्टेप डाल के तू टॉप उड़ा दे। सब मिल के नाच गाओ यारो, बन जाएगा वो मुन्नी का गाना। चार दिन मार एक बार यारो, स्टेप डाल के तू टॉप उड़ा दो। सब मिल के नाच गाओ यारो, बन जाएगा मुन्नी का गाना। लाने का हुनर है मुझ में, क्रेडिट ये पूरा जाता है तुझ में। बॉलीवुड हॉलीवुड जाने से पहले टॉप हूँ मैं एक्टिंग में, दिखाऊं क्या? शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या शेर खान हूँ मैं, शमशेर हूँ। सिल्वर स्क्रीन से डिजिटल तक सबसे बड़ा हीरो बनूं। मस्त मस्त है ये मेरी जिंदगी, झूमना है मस्त मस्त यारो। तुम न ढूंढो मत कोई नया हीरो, बनाओ कोई ट्रेलर अब यारो। मुझे छोड़ के दूर न तुम जाना, चिल चिल के रोकना यारा। मस्त मस्त है ये मेरी जिंदगी, अब जोश में एंजॉय करो यारो। Earrings. Yeah. Huh. And I'm picking you at 5. No changes, huh? Okay? Yes. Cool. Okay. Yeah. Okay, bye. Uh-huh.
There you are. What are you doing there? Come. Come. से बात करता है। तुम लोग पढ़े लिखे हो, ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? पूजा बोर्ड के बारे में उन्होंने ही हमें बताया था। शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होने के बाद से ही हम सबके साथ कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए उस भूत से बात करने के लिए हमने इन्हें बुलाया है। पहले तो भूत प्रेत को नहीं मानते थे, अब अचानक क्या हो गया? परिस्थितियों की वजह से हम भी मानने लगे। दिखने में तो भरोसेमंद नहीं लग रहा, मुझे तो वो फालतू आदमी लग रहा है। हेलो। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू पीपल। Not at all, sir. KK साहब, आपका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। Thank you very much. Sorry, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। वैसे मैं कोई मंत्र जानने वाला तांत्रिक भी नहीं हूँ और ना ही रिसर्च करने वाला कोई साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इस ऊर्जा बोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। इन्होंने जब मुझे कॉल किया था तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। KK भाई साहब, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? आपको ही सिर्फ आत्माओं पर भरोसा है, इसीलिए आपकी मदद चाहिए। आइए आइए मेरे साथ प्लीज। चलिए। इन बच्चों के साथ जो आत्मा खेल रही है, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आर यू हियर? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? एस यू एन वाई सनी। सनी सर, सर आप ठीक है? सर लिया सर, मेरा नाम सनी है। सनी सनी सनी, इन लोगों को तुम क्यों परेशान कर रही हो? मैं किसी को परेशान थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस एक गेम खेल रही हूँ। ये क्या हो रहा है? इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है बच्चा। ये खेल वेल बंद करो, ये बच्चे बहुत डर गए हैं, इन पर दया करो, चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ ना चली जाओ। चले जाओ कह रहा हूँ, तुम्हारे बुलाने पे थोड़े ना आई हूँ। सनी प्लीज वापस चले जाओ, बहुत डर लग रहा है। प्लीज चली जाओ, प्लीज गो, वापस चले जाओ, प्लीज चली गो, जाओ, प्लीज 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 प्लीज।
सर इलियास सर आर यू ओके इट्स ओके आई एम फाइन। आप इस स्प्रिट को हैंडल नहीं कर सकते, आप लोग अब उस ऊजा के साथ मत। हाँ बिल्कुल सर, ठीक कहा। बाय बाय बाय, चलता। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। देखो ये फिल्म विल्म का चक्कर छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। ए सुंदर जी, सुंदर को क्यों? पहले तुम उस ऊजा बोर्ड को जाकर बाहर फेंको। अभी जाता हूं। ये सब होने के बाद भी फिल्म बनाएंगे क्या? फिल्म बंद कर दोगे? वो भूत तो चला गया, कोई और भूत आ जाएगा। जाओ तुम अपना काम करो। अरे रुकिए चाचा जी, ये फिल्म मेरी जिंदगी है, मेरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। शूटिंग बंद मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुनो मत करो प्लीज। लगता है ये एक और सनी हो जाएगा। हे भगवान। बाला, हे कैसे हो तुम? बाला क्या हुआ? हे कुछ बोलो ना। बात नहीं करोगे क्या? वेल ओके, मुझे बहुत काम है। नहीं बताओगे? ठीक है, इनफ बाला, गिव मी अ ब्रेक। बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट फिल्म कंप्लीट कर लीजिए प्लीज प्लीज। देखो वो बात मत करो, और कोई हेल्प चाहिए तो बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फिल्म बनाइए आप। फिल्म बस वही चाहिए ना? ओके सुनिए सुनिए स्नेहा जी, ये कहाँ चली गई? क्या समझते हो तुम लोग मुझे? तुम लोग क्या समझते हो बोलो? मैंने क्या मांगा? एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कहा है ना, उसके लिए इतना सारा बवाल क्यों कर रहे हो? फाइनली बता दो, शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी है। ओके आप लोगों को मेरे कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। मेरे लिए मुंबई हो या कुआलालंपुर, दोनों एक जैसे ही हैं। मैं अपनी जिंदगी काट रहा था, मुझे बुला के हीरो बना के मेरी भावनाओं को जगा दिया और अब भाग रहे हो। मैं तुम लोगों को देखा देखा देखा, डर गई ना, डर गई ना? देखो अपना चेहरा देखो तुम, देखो वो फिल्म मेरा फ्यूचर है, मान जाओ ना प्लीज। शूटिंग दोबारा शुरू करते ना प्लीज। शॉर्ट फिल्म के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? देखो मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया, मैं कोई फिल्म विल्म नहीं बनाने वाली। इस तरह की एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। नो मूवी नो मोर बालू, आई थिंक ही इज बिकम क्रेज। ओह शिट, भाई जूस पिए बिना ही चला गया। हाँ व्हाट? ए बोल बे, बाला कहाँ है? भाई जूस पिए बिना ही चला गया। हाँ ए हम पूछ क्या रहे हैं, तू जवाब क्या दे रहा है? हाँ बाला कहाँ है? नो मूवी नो बलराज, यस मूवी यस बलराज। ऑलराइट फिल्म बनाएंगे, कहाँ बाला? वे आर यू? आजा भाई, फिल्म बनेगी भाई। बाला तुम क्या पागल हो गए हो? इट्स जस्ट शॉर्ट फिल्म, इससे क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल सही कह रही हूँ, इतने दिनों भीड़ में मैं भी एक था। फर्स्ट टाइम मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। इस शॉर्ट फिल्म से मेरी लाइफ बन जाएगी ऐसा सोचा था। मेरी बात मानिए, शॉर्ट फिल्म कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हम फिल्म बनाएंगे, कम से कम बाला के लिए बनाएंगे। यस यस लेट्स डू इट फॉर आवर फ्रेंड यार। और फिर वो भूत, भूत की फिल्म बनाने से भूत आया था। अगर इसको ही हम थ्रिलर का रूप दे दे तो
कैसे? मेरा मतलब है, हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो एक भूत ही कर रहा है ऐसा भरोसा दिला दे, और क्लाइमेक्स में कोई भूत प्रेत नहीं, हम में से ही कोई ये सब कर रहा था, एंड में ऐसा रिवील कर दे तो बढ़िया थ्रिलर मूवी बनेगी। यस, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट डे जब शूटिंग हुई थी, फिश बॉल को हॉल से बेडरूम तक तुम ही लेकर गए थे ना? मैं ले गया था तो? उसी वक्त उसे पॉइजन देके मार दिया होगा, और ये काम भूत ने किया है ऐसा विश्वास दिलाएंगे। इसका मतलब बाला ने लवली को मारा था? मैंने लवली को मारा? नहीं नहीं, हीरो तो विलेन बन जाएगा ना इस फिल्म का। ऐसा हुआ तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं, निहारिका अगर लवली को मारेगी तो बेटर है। हाँ? हाँ? वैसे मैं क्यों मारूंगी उसे? क्योंकि आप साइको हो, आपको मारना पीटना अच्छा लगता है। वैसे भी हर रोज हम देख ही रहे ना, आप कभी किसी को मारती हैं, कभी आईने के सामने बैठकर अजीब अजीब सा चेहरा बनाती हैं, अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देती हैं। ये सब देख के पब्लिक यकीन कर लेगी। मेरे कैरेक्टर को विलन मत बनाओ, समझे? करेक्ट। कृष्णा के घर में उस दिन कौन सोया था? तुम। तो उसको डराकर घायल किसने किया? तुमने। ऐसा विश्वास दिला दे तो। कैसे, मैं तो बेहोश था ना। वो सब नाटक होगा। रात को तुम उठे, कृष्णा को डराया तुमने और उसे घायल भी तुमने किया। अंदर रह के मैं करूंगा, उससे अच्छा बाहर रह के अगर यही काम निहारिका करेगी तो उससे ये फिल्म और थ्रिलिंग लगेगी, यही बेटर है। चल, ये अनबिलीवेबल लगता है। अब तुम्हारी बात ही लेते हैं। तुम पर शक न करते हुए और फिर तुम खुद ही जाकर पेड़ से जोर से टकरा गए तो कितना मजेदार होगा ना वो? ये वाकई में साइको है। अरे रे रे, उससे अच्छा होगा स्पंज किसने अरेंज किया था? निहारिका ने। पीछे से कील कौन ठोक रहा था? निहारिका। वो सब बकवास है। अच्छा, मेरे वाला किस्सा लेते हैं, क्योंकि तुम सिनेमा वाले हो, तुमने अपने एक्सपीरियंस से उस लेडी को, उस साउंड को खुद क्रिएट किया हो तो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, हमें फिल्म का थ्रिलिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्षेत्रा को डराने वाला भी यही है क्या? यही है। पहले दरवाजे से कौन एंटर हुआ था? निहारिका एंटर हुई थी ना, वो ही अंदर आके तुमको मारने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते हैं। एक्सक्यूज मी, डायरेक्टर मैं हूँ, जैसा मैं करूंगी वैसा करोगे तो फिल्म बनेगी, वरना नहीं। ऐसी बात है तो आप जो कहें वही ठीक है, अपने टैलेंट को कुचल देता हूँ। क्या बात, मैंने है? मैंने ही किया है जो भी कुछ हुआ है, कोई भरोसा करेगा क्या? मैं भरोसा करती हूँ। देखा, हीरो से अब विलन बन गए हो तुम। नो प्रॉब्लम, शुरू में विनोद खन्ना भी विलन ही थे। ओके गाइस, लेट्स गो। चलो सुनो, ये सब बाला ने ही किया है, मुझे सच में इस पर बहुत डाउट है। देख लिया ना, मुझे विलन बना रहा था। मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ। नहीं नहीं, तुम विलन नहीं हो, बाला ही विलन है। थैंक्स डियर, लेट्स गो। बाला ठीक ही कह रहा था, निहारिका एक साइको है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। शॉट रेडी करो, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। ओके, सुनो ये लाइट पीछे लगा दे। ओके कृष्णा, लेट्स कंपोज द शॉट फर्स्ट। साइको की एक्टिंग कर रहा हूँ, आफ्टर दैट वी विल सी दैट एक्सप्रेशन। ओके है ना? ये और करके दिखाऊं? निहारिका, आर यू ओके? मार डालोगे मुझे, मार डालोगे? ए, हाथ मत लगाना। निहा, ये तो बिल्कुल साइको लग रही है मुझे, इससे तो अब दूर ही रहना पड़ेगा। ओके, जस्ट लीव इट, लेट्स स्टार्ट द शूट। ओके, हाँ ठीक है। ओके बालू, रेडी? ओके, कैमरा
All right, ready. Action. जैसे लवली को मारा था उस तरह इसे भी मार डालोगे? मैंने लवली को मारा है? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे सब समझ में आ गया है। तुम एक साइको हो। तुम्हारे आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। तुम ही ये सब कुछ कर रहे हो। निहारिका, what are you saying? प्लीज तुम बीच में मत बोलो। उस रात को क्या हुआ था पता है? भूत प्रेत के बात करके ये हमसे खेल रहा था। हम तीनों को टारगेट किया था इसने। ये एक साइको है यार। प्लीज आप ऐसी बात तो मत कीजिए। शट योर माउथ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। गेट आउट। बाला वो ट्रांस में है। डोंट माइंड। वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे रोक रही हो। जाने दो। जाओ यहाँ से। जाओ कहाँ ना? निहा, बेब्स, इट्स ओके। लिसन। उस बलराज से मुझे अपने आप को बचाना ही होगा। तुमने उसी को सच मान लिया और आपस में लड़ने लगे। बेसिक कॉमन सेंस है या नहीं तुम लोगों में? सॉरी मैडम, मैं तो एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह जी रहा था। आप लोगों ने अपना बनाया, मुझे अपना दोस्त माना, मेरे लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी वजह से आप तीनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए, ऐसी फिल्म नहीं चाहिए। बंद कर दो उसे। स्क्रीन के किसी कोने में खड़े रहने वाले मुझको स्क्रीन के बीचों बीच ले आए आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। बाला सब पवा क्या एक्टिंग करते हो, कमाल कर दिया। कैमरा ऑन होता तो मजा आ जाता। इस डायलॉग को शूट करके हम फिल्म में डाल देते तो फिल्म सुपर हिट हो जाती। स्टॉप इट निहारिका। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हम लोगों में जब मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाला जब ये फील कर रहा है और तुम उसी को कोसने पे लगी हुई हो निहारिका। वैसे इस घटना के पीछे उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। यस यू आर राइट, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, तुमने मुझे इतने जोर से मारा फिर भी मैं तुम्हें अपने फ्रेंड मानती हूँ, यही मेरी गलती है। उसने सॉरी बोला तो वो अच्छा हो गया। मुझे एक बात तो समझ में आ गई, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। कल तुमने भी मुझ पर हमला किया है ना, और स्नेहा तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब तुम तीनों मिलकर मुझे टारगेट बना रहे थे ना। मुझे तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। नेहा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नेहा जैसा तुम सोच रही हो हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम सब हत्यारे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप उनकी बात। नेहा सुनो मेरी बात। There is no need to go. Okay? Neha.
रेस्टोरेंट में आप लोगों से मिलने के बाद वो घर लौटे और फिर पूजा खेलने लगे। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब उस दिन जो रेस्टोरेंट में आए थे भूत? करेक्ट, यस। वो इन्हीं के रूप में आए थे। इसका मतलब अब वो किसी भी समय किसी के भी रूप में आ सकता है। साहब की डेड बॉडी के पास ये मिला था। क्या है ये? क्या ये? चलो चलते हैं। थैंक्स। ओके सर, चलो। केके? 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 इसका मतलब केके को भी। चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। केके? 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 कहीं नहीं है वो। कहाँ गए होंगे? केके? केके? बॉडी? वहाँ पर है क्या? उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। चलो। चलो। मतलब केके ने हम पर हमले करवाए? तो इलियास सर को मारने वाला कहीं केके ही तो नहीं? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुंदर, केके कहाँ है? तीन चार दिन से मैंने भी नहीं देखा उन्हें। पता नहीं कहाँ चले गए। हमारी तो केके से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर वो हम सबको मारना क्यों चाहते हैं? उस पेपर में जो खून के निशान हैं, वो अगर केके के हैं तो फिर सब समझ आ जाएगा। उनका सेलफोन अगर हम ट्रैप करते हैं तो फिर सब पता चल जाएगा। हाँ, तुम वो काम करो और हम पेपर क्लीन करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। You can do it. Come on, fast. Fast, come on.
No, it's not facing. We have to, please. कुछ नजर आया क्या? Nothing. एक मिनट रुकिए ना. कुछ मिला क्या? नेहा wait. Yeah. Yes, yes. We got it. We got it. Yes. Where is he? Yes. Got it. Huh. Yeah. Yeah. Yes. Yes. ठीक. Very good. Okay. Thank you. Thanks a lot. Bye. Bala, मेरी कार में पॉलिश रिमूवर है. जाकर ले आओ. Go. Okay. नेहा. हाँ. नेहा. हाँ. हाँ. See this. हाँ. फकीर बाबा. हाँ. फकीर बाबा. कौन है वो? पूरा क्लीन करके देखते हैं. Did you see what happened? Neha? Sneha! Neha! Bachao! Bachao! Woo!
वो डायन है, छोड़ दो उसे। नहीं झूठ बोल रही है। स्नेहा वो डायन है, मेरी बात मानो। मैं असली हूँ, मैं निहारिका हूँ, छोड़ो उसे, वो डायन है। ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं हूँ। उसे छोड़ दो, वो डायन है। मैं निहारिका हूँ, मेरी बात समझो। ये झूठ बोल रही है, मैं निहारिका हूँ। पीछे पड़ गई तो हो सकता है, लेकिन आज हम केके का काम तमाम कर देंगे। लेकिन मौत हमारा पीछा कर रही है। लेकिन अब से हम उसका पीछा करेंगे। चलो के। बलराज हाँ इनको पहन लो। मेरे हाथों से तुमने निहारिका को मरवाया। छी तुम हमें क्यों मारना चाहते हो के? तू नहीं हमको मारने का प्लान बनाया ना? क्यों मारूंगा तुम? पहले तुम इस ताबीज को पहन लो। अब ये नहीं चाह रहा तुम्हारी। हाँ ये तुम्हारी भलाई के लिए है। प्लीज प्लीज छोड़। बलराज मेरी बात मानो, तुम भी पहन लो। हमें मारने का ये नया तरीका है। निकालना नहीं, ताबीज निकालोगे तो मरोगे, सब मर जाओगे। दिमाग से काम लो। तुम्हें मारने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बल्कि वो डायन तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। जब से तुम लोगों ने शूटिंग शुरू की तब से वो डायन तुम्हारा पीछा कर रही है। उससे तुम्हें बचाने के लिए मैं बहुत सारे तांत्रिकों से जाकर मिला, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर उसके बाद एक अति शक्तिशाली फकीर बाबा से 3 दिन पहले जाकर मिला। उन्होंने जो बताया उससे मुझे शॉक लगा। वो डायन तुमसे बदला लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है। What? मुझ पर भरोसा करो, जब तक तुम्हारे पास ये ताबीज है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृपा करके इस ताबीज को निकालना मत प्लीज। पर वो डायन हमसे क्यों बदला लेना चाहती? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे कारण ही मरी थी। हमारे कारण? कौन है वो? उसका नाम है माया, माया देवी। माया देवी, माया
किस किस्मत से पारा चेहरा मेरा देखो, होठों से दुश्मन को मिटाने का जोश मेरा देखो, मेरी कमाल शक्ति है जैसे तुम उसको देखो, सबको अपनी ओर खींचने का जोश है मेरा देखो, ये नया पल है अपना लो रे, जीना यही मरना यही, ये जिंदगी मस्जवानी मस्जवानी. तुम अपने आप को क्या समझती हो? ये धन, ये दौलत, ये इज्जत, इन सब को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है? तुम्हें गरीब परिवार से आई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया, लेकिन तुम बार पार्टीज में दिन रात घूमती रहती हो. पहले मैंने इस बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे भरोसा हुआ. मेरी आंखों के सामने मत रहो, जाओ यहां से, वरना मैं नहीं मेरी बंदूक बोलेगी. गेट लॉस्ट. धीरू, मैंने अपने बचपन से ही बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं. सुख और शांति जिंदगी में क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं. लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैं हंसी हूँ वो हमारी शादी का दिन था, वो भी जब तुमने मुझे पहली बार छुआ. वाह, पहले मैं नर्क में जी रही थी, तुमने मुझे उठाकर स्वर्ग में बिठाया, मुझे अपने साथ रखा. दुनिया भर की सारी खुशियां तुमने मेरी झोली में डाल दी. सारी खुशियां मिलने के बाद मैं खुद को, अपने आप को मैं संभाल नहीं पाई. मैंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी. छे, आई एम रियली सॉरी धीरज. आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी. चाहो तो तुम मुझे डांट लो, लेकिन प्लीज मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो. मेरा तुम्हारे सिवा कौन है इस दुनिया में? I'm sorry. I'm so sorry. I'm very sorry, धीरज. डार्लिंग, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है. स्ट्रेस छोड़ दो. रोमांस करो. सच में ये जगह कितनी शांत है. मुझे अपनी दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही है. कितना अच्छा लग रहा है. मुझे शांत जगह बहुत पसंद है, इसलिए हमने ये फार्म हाउस खरीदा था. लेकिन महीने में सिर्फ एक बार ही यहाँ आना होता है. मुझे तो सारे बंधन तोड़कर यहीं रहना पसंद है. लेकिन तुमने बेवजह की शर्तें मुझ पर लाद दी, इसलिए मैंने अगर कोई मेरी शांति भंग करता है
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माया मैडम टाइम हो गया, आओ चलें। नमस्ते मैडम। बोलो श्रीधर। वो एक महीने की मुझे लीव चाहिए मैडम। एक महीना? एक महीना में ऐसे देखे बगैर कैसे रह सकती हूँ मैडम? हाँ तुम चले जाओगे तो मेरे स्टेट का ध्यान कौन रखेगा श्रीधर? सॉरी मैडम, गांव में एक बहुत जरूरी काम आ गया है। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मैडम? पैसे वगैरह कुछ? नहीं मैडम, पैसे नहीं चाहिए, बस लीव दे दीजिए मुझे। शर्माओ मत, बिना झिझक कुछ भी मांग सकते हो। नो थैंक्स मैडम, इस साल हमारे फार्म हाउस को बहुत फायदा होने वाला है मैडम। सब वर्कर्स ने बहुत मेहनत करी है, हम उनको बोनस भी देंगे मैडम। आइए मैडम, चलिए ना, यहाँ क्या? हाँ मैडम, बारिश भी होने वाली है, आप जाइए प्लीज। ए चिन्नू, हैं? तू भी मैडम के साथ चली जा। आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाना। बाय बाय मैडम। बाय सर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? I'm so sorry. बोलो वकील साहब। मैडम, शादी के वक्त मिस्टर धीरज ने आपके नाम जो जायदाद लिखी थी वो एक हफ्ते में मुझे कोर्ट में देनी है, वरना वो पूरी जायदाद अनाथ आश्रम को चली जाएगी और आप रोड पर आ जाएंगी। वो सब मैं नहीं होने दूंगी, आज रात मैं धीरज से बात करूंगी। क्या कहा आपने? तुमने बिल्कुल सही सुना, फोन रखो। धीरज आओ, बोर्ड पर आओ। कम ऑन टॉक टू मी डैमिट। धीरज आओ। मेरे नाम पर जो जायदाद लिखी थी वो पेपर्स कहाँ रखे हैं तुमने, बताओ। धीरज आओ। पासिंग स्पिरिट कम, पासिंग स्पिरिट प्लीज कम। तुम्हारा नाम क्या है? SWAMY, स्वामी। ए स्वामी, धीरज यहां पर है क्या? यस यस यस, मुझसे बात करने को कहो। वो तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चला गया। ओके धीरज, और कितने दिन यहां पर रहेगा? ओके 1 वीक, जब वो मेरे आमने सामने होगा मुझे सिग्नल देना। ओके गुड बाय। धीरज कम, धीरज प्लीज कम, धीरज प्लीज कम, धीरज धीरज आओ, धीरज धीरज आओ, धीरज धीरज जाओ, धीरज जाओ, धीरज जाओ, धीरज जल्दी आओ। ए धीरज, तुझे आना ही पड़ेगा, तू आएगा
मैं बुला कर ही रहूंगी। दुनिया के सारे ऐशो आराम पाने के लिए मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ हासिल करके रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक हफ्ते में तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है ना, लेकिन अगर मैं तुमसे मिल गई तो तुम जानते हो कि क्या अनर्थ हो जाएगा। आत्मा के रूप में मैं तुमसे मिलूंगी, मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, पूरा प्लान बनाकर मैं आऊंगी। ना ही तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी और ना ही तुम यहाँ वापस आ पाओगे। बीच में फंसा कर मैं तुम्हें टॉर्चर करती रहूंगी। धीराज डिसाइड कर लो, तुम आओगे या मैं आने की तैयारी करूँ। एक हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ लेकिन धीरज बोर्ड पर ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। आज रात को उसे मुक्ति मिलेगी, एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में उसे आज रात को आना ही होगा। मैं उसे बुलाऊंगी तभी मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी। धीरज धीरज आओ, बोर्ड पर आओ, तुम यहीं पर हो मुझे पता है, कम ऑन बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर आओ धीरज। ए अगर तुम नहीं आए तो जिस अनाथ आश्रम को तुम अपनी संपत्ति डोनेट करना चाहते हो उस अनाथ आश्रम को मैं आज जलाकर राख कर दूंगी। 400 बच्चे जलकर उसमें राख हो जाएंगे। धीरज आ जाओ, धीरज आओ। गुड, बोलो वो प्रॉपर्टी के पेपर तुमने कहाँ रखे हैं? हाउस के बैकयार्ड में। ओ, ओ, दिस इज द वन हु स्लैप्ड हर। आप ठीक कह रहे हैं, मैडम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। विल मेक यू स्माइल बेबी। एई देनो, नहीं बोल दो, दीजिए मुझे, इसे समझ करो, अभी दे दे, बोल दे दो मुझे, बोल दो मुझे, पकड़ो, गिव मी प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज वो बोर्ड मुझे दे दो, प्लीज मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज 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 गिव मी, प्लीज गिव मी, प्लीज 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 मुझे दे दो, प्लीज 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 दे दो, ऐसा मत करो, अगर रात निकल गई तो कुछ नहीं हो पाएगा, प्लीज। धीरज धीरज कहाँ हो? वो लास्ट वर्ड पता खींचो, लास्ट वर्ड पता खींचो, प्लीज आओ धीरज, प्लीज आओ धीरज, प्लीज आओ धीरज, वो लास्ट वर्ड पता खींचो, प्लीज धीरज आओ। स्वामी 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 आ रही है यार, स्वामी धीरज तुम्हारे आसपास है? What? धीरज का समय खत्म हो गया है क्या? No! ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी स्वामी अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो, नहीं सब बर्बाद हो गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन चारों इडियट्स की वजह से ये सब हुआ है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। I'm coming! ए, तुम सब की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। Damn it! रुको! रुको! Oh!
वैसे देखा जाए तो माया की मौत का कारण तुम लोग ही हो। माया? ताबीज, मेरा ताबीज कहाँ गया? केके, ये ले। नहीं, ताबीज निकालोगे तो मारे जाओगे। क्या किया? उच्चार कर रहे हो? ना। मुझे नहीं मालूम क्या ये मंत्र फकीर तेरा अंत आ गया है, समाधि के लिए तैयार हो जा। गलती कर रहे हो फकीर, नहीं मर जाओगे, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी, नष्ट कर दूंगी तुम्हें। ये फकीर ही क्या, अगर ऊपर से भगवान भी आ जाए तो अभी तुम्हें नहीं बचा सकता। हे, इधर आओ। सिर्फ 3 घंटे का समय है, इस ताबीज को ले जाकर ऊर्जा बोर्ड पर बांध दो और माया के शरीर के साथ तैनात कर दो। समय की सीमा खत्म होते ही माया इस बंधन से बाहर निकल जाएगी और किसी की जान लेने की कोशिश करेगी। समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी जाओ। ए, तेरी मंत्र शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसकी तुम पूजा करते हो उससे भी शक्तिशाली है ये माया। 3 घंटों के बाद तेरी क्या हालत होगी तू जानता है फकीर? एक घंटा बीत चुका है फकीर। तेरे पास अब बहुत कम समय बचा है फकीर। अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं फकीर। चार चिताओं की तैयारी कर लो फकीर। पहला नंबर तुम्हारा है फकीर। समय खत्म हो गया है फकीर। Ah!
माया। माला! माला! माया को कोई नहीं मार सकता।